हेलो दोस्तों, इस छोटी सी स्मॉल पिक से हम समझेंगे कि कैसे करके इतना बड़ा मुगलों का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे करके सैटर्ड हो गया था, टूट गया था छोटे छोटे राज्यों में। और जो छोटे छोटे राज्य बने थे उनको धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाते हुए उन पर कब्ज़ा कर लिया। तो हम देखेंगे क्या कारण ऐसे बन गए थे जो कि मुग़लों की वीकनेसेस बन गए, उनकी कमजोरी बन गए। तो सबसे पहला जो कारण था कि मुग़ल अम्पायर जो था उसके वीक होने के सबसे बड़ा कारण था अनवांटेड एक्सपेंडिचर, कि बहुत सारा ऐसा पैसा खर्च कर रहे थे, मतलब वे फालतू के खर्च करना, लाइक पैलेसेस पे खर्च करना, वॉर्स लड़ना। तो जितनी टेरिटरी है आप उसको पहले स्ट्रॉन्ग करिए उसके बाद वॉर लड़िए, ऐसा नहीं करते थे। वो क्या कर रहे थे, नई टेरिटरी के चक्कर में वॉर्स कर रहे हैं, नए नए पैलेसेस बनवा रहे हैं, अच्छी अच्छी लाइफ जीना चाह रहे हैं, उसमें अच्छा खासा अनवांटेड एक्सपेंडिचर हो रहा था। उसके साथ साथ औरंगज़ेब ने क्या किया कि औरंगज़ेब ने बहुत सारे हिंदू टेम्पल डिमोलिश करे थे। उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही रिलीजियसली इंटॉलरेंस पॉलिसी थी, हिंदुओं के खिलाफ सारी उसकी पॉलिसी थी, सारी नीतियाँ हिंदुओं के खिलाफ थी। तो ऐसे करके क्या हुआ कि हिंदुओं ने विद्रोह करना चालू कर दिया, मतलब जाटों ने विद्रोह करना चालू कर दिया, सिखों ने विद्रोह करना चालू कर दिया। तो ये दूसरा रीजन बन जाता है मुग़लों की डिफ़ीट का और मुग़लों के एम्पायर के सेटल्ड होने का। और इन सब का एडवांटेज लेते हुए ग्रेट ब्रिटेन ने पूरे भारत पर धीरे धीरे करके कब्ज़ा कर लिया। और 1858 तक आते आते जो लास्ट मुग़ल रूलर था बहादुर शाह जफ़र, उसको डिथ्रोन कर दिया गया, एम्पायर से हटा दिया गया, गद्दी से उठा फेंक दिया। उसके बाद अंग्रेज़ सीधा रूल करने लगे थे भारत के ऊपर। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आप एक रहेंगे, आप मतलब एकता बना के रखेंगे, यूनिटी रखेंगे, सॉलिडरिटी रखेंगे, सभी को साथ लेकर के चलेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं विनर होने के। और अगर आप सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो लूजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब हमें समझना चाहिए, ये हमें अपनी लाइफ में भी अपनाना चाहिए। और इस छोटी सी पिक से मैं ये समझाना चाह रहा था कैसे करके इतना बड़ा अम्पायर, माइटी मुग़ल अम्पायर जिसे बोलते थे, इतना बहादुर, इतना जिसका पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे देखा जाए तो आधिपत्य था, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल सेटल्ड हो गया था और अंग्रेज़ों ने राज किया हमारे ऊपर। तो इस स्मॉल पिक से हम यही समझना चाह रहे थे। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए आप जिस वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें भाई। थैंक यू।